गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 4 की हिंदी व्याकरण की पुस्तक रचना प्रसून के 9th चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने यह चैप्टर आपको एक्सप्लेन किया था। इस वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स दूंगी। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, मौखिक अभिव्यक्ति। फर्स्ट क्वेश्चन है, सर्वनाम किसे कहते हैं बताइए। इसका आंसर आपको सेकंड के फर्स्ट पार्ट में मिलेगा, ये आगे दिया जा रहा है। सेकंड क्वेश्चन है, प्रश्नवाचक सर्वनाम व निजवाचक सर्वनाम के दो दो उदाहरण बताइए। प्रश्नवाचक सर्वनाम है कौन, क्या, और निजवाचक सर्वनाम के दो उदाहरण हैं स्वयं, अपने आप। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए, सर्वनाम किसे कहते हैं। मौखिक का फर्स्ट आंसर भी यही आएगा। इसका आंसर है, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सेकंड, सर्वनाम के कितने भेद हैं उनके नाम लिखिए। जैसा कि चैप्टर में आपको समझाया था, सर्वनाम के 6 भेद हैं। फर्स्ट, पुरुषवाचक सर्वनाम। सेकंड, निश्चयवाचक सर्वनाम। थर्ड, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। फोर्थ, संबंधवाचक सर्वनाम। फिफ्थ, प्रश्नवाचक सर्वनाम। और सिक्स्थ, निजवाचक सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं उदाहरण सहित समझाइए। इसका आंसर है, वे सर्वनाम शब्द जिनसे प्रश्न पूछे जाने का बोध हो उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण, तुम कहाँ रहते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निश्चयवाचक सर्वनाम व अनिश्चयवाचक सर्वनाम में अंतर स्पष्ट कीजिए। वे सर्वनाम जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण, यह, वह। वे सर्वनाम जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं कराते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसके उदाहरण हैं कोई, कुछ। थर्ड एक्सरसाइज, नीचे दिए गए वाक्यों में से सर्वनाम शब्द छांटकर लिखिए। फर्स्ट, वह कक्षा में प्रथम आया है, इसमें सर्वनाम शब्द है वह। सेकंड, तुम खेलने जा रहे हो, इसमें सर्वनाम शब्द है तुम। नेक्स्ट, कोई आ रहा है, इसमें सर्वनाम शब्द है कोई। हम मई में शिमला जा रहे हैं, इसमें सर्वनाम शब्द है हम। लास्ट, मोहन कहाँ रहता है, इसमें सर्वनाम शब्द है कहाँ। फोर्थ एक्सरसाइज, रिक्त स्थानों में सर्वनाम शब्द भरिए। मैं बाजार से पटाखे लाऊंगा। सेकंड, छुट्टियों में तुम क्या करोगे। थर्ड, यह मेरा विद्यालय है। फोर्थ, जो करेगा वो भरेगा। फिफ्थ, बाहर कौन है। फिफ्थ एक्सरसाइज, निम्नलिखित वाक्यों में गलत सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हो गया है, सही सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करके वाक्यों को पुनः लिखिए। इसमें है, दादाजी तुम कब आए। तो इसका सही सेंटेंस होगा, दादाजी आप कब आए। नेक्स्ट, तेरे को अध्यापक जी बुला रहे हैं। तुम्हें अध्यापक जी बुला रहे हैं। नेक्स्ट, वह ने काम कर लिया है। उसने काम कर लिया है। नेक्स्ट, मेरे को वह से कुछ काम है। मुझे उससे कुछ काम है। नेक्स्ट, बाहर कुछ खड़ा है। बाहर कोई खड़ा है। नेक्स्ट, बहुविकल्पीय प्रश्न, सही उत्तर वाले विकल्प पर सही का निशान लगाइए। फर्स्ट है, इसमें वह खेल रहा है,
इस वाक्य में सर्वनाम शब्द है, तो इसमें सर्वनाम शब्द है वह। सेकंड, निजवाचक सर्वनाम शब्द है, तो इसमें निजवाचक सर्वनाम शब्द है अपने आप। थर्ड, कौन सा समूह अनिश्चयवाचक सर्वनाम का है, इसमें कोई कुछ किसी समूह अनिश्चयवाचक सर्वनाम का है। नेक्स्ट, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, सर्वनाम के कितने वचन होते हैं, तो जैसा कि आपको बताया था सर्वनाम के दो वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। नेक्स्ट, सर्वनाम का प्रयोग किसके स्थान पर होता है, सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, अपने जन्मदिन की पार्टी पर एक अनुच्छेद लिखिए और इस लेख में आए सर्वनाम शब्दों को रेखांकित कीजिए। तो इसमें आपको एक अनुच्छेद यानी पैराग्राफ लिखना है और उसमें जो भी सर्वनाम शब्द आएंगे आप उन्हें रेखांकित करेंगे। जैसे आप लिखेंगे कि आज मेरा जन्मदिन है, मेरे जन्मदिन के अवसर पर मेरे बहुत सारे मित्र आए हैं, उन्होंने मुझे बहुत से उपहार दिए, तो इस तरह से आप एक अनुच्छेद लिखेंगे 7 या 8 लाइन्स में और उसमें आने वाले जो सर्वनाम शब्द हैं आप उन्हें अंडरलाइन करेंगे। थैंक यू।